हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ डिफरेंट वेज टू से आई लव यू। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि डिफरेंट तरीके से आप आई लव यू कैसे बोल सकते हैं अपने पार्टनर को। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज़ रोज़ दिन हम अपने पार्टनर को आई लव यू बोल बोल करके कितना ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बोरिंग भी लगता होगा। तो आज मैं लेकर के आई हूँ टोटल 18 ऐसा तरीका जिससे कि आप अपने पार्टनर को डिफरेंट तरीके से आई लव यू भी बोल सकते हैं और उनको सच में ऐसा फील भी होगा कि आप उनके लिए सच में फील करते हैं। तो ये वीडियो प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का सबसे पहला वर्ड है यू कम्प्लीट मी। यू कम्प्लीट मी, यू कम्प्लीट मी का मतलब होता है तुमने मुझे पूरा किया है, तुमने मुझे पूरा किया है, ठीक है। सेकेंड वर्ड है यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ का मतलब होता है तुम प्रेम हो, तुम प्रेम हो, तुम प्यार हो मेरी ज़िंदगी के, तुम प्रेम हो, प्यार हो मेरी ज़िंदगी के, ठीक है। सुनने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो सोचिए जब आप बोलिएगा और वो इंसान आपके पार्टनर सुनेंगे तो उनको कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, कितना ज़्यादा स्पेशल फील होगा। तीसरे तरीके से आप बोल सकते हो You are everything to me. You are everything to me. मतलब तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हम लोग ऐसा हिंदी मूवीज़ में तो सुन चुके हैं कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में बोलने पे, थोड़ा क्लासी भी आपको लगेगा और आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसे बोलिएगा You are everything to me. फोर्थ वर्ड You mean the world to me. You meant the world to me. मतलब तुम मेरे लिए दुनिया हो, ठीक है। फिफ्थ वर्ड You are the light of my life. You are the light of my life. मतलब तुम मेरे ज़िंदगी के रोशनी हो, तुम मेरे ज़िंदगी के रोशनी हो, लाइट हो, तुम मेरे लाइफ के उजाला हो, ठीक है। मतलब आप मेरे लाइफ में आए हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होता है आपके साथ, ठीक है। सिक्स्थ वर्ड है आई एम क्रेज़ी अबाउट यू। आई एम क्रेज़ी अबाउट यू, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई एम क्रेज़ी अबाउट यू का ये मतलब नहीं होता है कि आप उनके लिए पागल हो, मतलब साइको हो। इसका ये मतलब होता है आप उनके प्रेम में लीन हो चुके हो, आप उनके प्यार में पूरे अच्छे तरीके से पड़ गए हो, ठीक है। सेवेंथ वर्ड है आई कांट लिव विदाउट यू। ये तो हम लोग हिंदी मूवीज में कई बार सुन चुके हैं, हम तेरे बिना जी नहीं सकते, बट ये आपको इंग्लिश में बोलने में बहुत अच्छा लगेगा एंड सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा, इंप्रेसिव लगेगा, क्लासी लगेगा और उसको सच में फील होगा कि आप उनसे सच में बेइंतहा मोहब्बत करते हो। तो आप ऐसे बोल सकते हो आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू। एट्थ वर्ड देखते हैं, एट्थ वर्ड है यू आर स्पेशल टू मी। यू आर स्पेशल टू मी, मतलब तुम मेरे लिए खास हो, तुम मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, बहुत ही ज़्यादा खास हो, ठीक है। नाइन्थ वर्ड आई एडोर यू सो मच। आई एडोर यू सो मच, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार में हूँ, ठीक है। टेंथ वर्ड है आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विथ यू। आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विथ यू, यानी कि मैं सर से लेकर के पाँव तक तुम्हारे प्रेम में पड़ा हुआ हूँ या प्रेम में पड़ी हुई हूँ, ठीक है। 11th वर्ड आई नीड यू इन माई लाइफ। आई नीड यू इन माई लाइफ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम उस शख्स को प्रपोज करना चाहते हैं, आई लव यू बोलना चाहते हैं, बट डायरेक्टली बोल नहीं पाते हैं, डर लगता है कि खो जाने का, ठीक है, कुछ ऐसा फीलिंग हमें आता है, तो आप उस समय पे बोल सकते हैं आई नीड यू इन माई लाइफ, मतलब मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे तुम्हारे ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है।
अगला आप बोल सकते हैं I lost my heart for you, मतलब कि मैं अपना दिल, मैं अपना हृदय तुम्हारे लिए खो बैठा हूँ, मैं अपना दिल तुम्हारे लिए खो बैठी हूँ। सुनने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो मतलब ऐसे कोई प्रपोज करे तो मैं तुरंत हाँ बोल सकती हूँ। 13th वर्ड है You are my missing piece, मतलब तुम मेरे खोए हुए पीस हो, ठीक है, सुनने में कितना ज़्यादा रोमांटिक लगता है ना। 14th वर्ड You are the only one for me, मतलब तुम मेरे लिए इकलौते हो जो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, ठीक है। 15th वर्ड You are all I see, इसका अर्थ ये होता है कि जब आप नए नए प्यार में पड़े हुए होते हो तो आपको हर जगह वही इंसान दिखा हो रहा होता है, जैसे कि आप किसी अपने पार्टनर के प्यार में नए नए पड़े हुए हो तो आपको हर जगह बस वही वही दिखता है, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो You are all I see, ठीक है, You are all I see। 16th वर्ड I am nothing without you, मतलब मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, सुनने में कितना ज़्यादा प्यारा लगता है ना। 17th वर्ड You are my inspiration, ये मेरा फेवरेट लाइन है, You are my inspiration, तुम मेरे लिए पूजनीय हो, इंस्पिरेशन है मेरे, तो ये मेरा फेवरेट लाइन इसलिए है क्योंकि जब आप किसी के प्यार में होते हो तो अगर आप उसको अपने इंस्पिरेशन मानते हो या वो आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं तो दोनों लोग एक दूसरे को चाहते हैं कि बेहतर बनाए, बेस्ट बनाए, और इस तरीके से आप अपने आप को बेस्ट बनाते हो एक दूसरे के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है। 18th वर्ड You are my soulmate, सोलमेट वो होता है फ्रेंड्स कि जिसके साथ आप अपनी ताउम्र ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो उसको हम सोलमेट कहते हैं, तो आप उनको ऐसे बोल सकते हो You are my soulmate का अर्थ होता है, ऐसा इस वर्ड का मतलब होता है यू माई सोलमेट का, कि तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती हूँ, बिताना चाहती हूँ, आई लव यू। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया है आप यूज़ कर सकते हैं, अपने पार्टनर को इम्प्रेस कर सकते हैं और उन्हें भी बोल सकते हैं कि तुम मुझे ये लाइन बोलो, बहुत ही ज़्यादा आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा, बिलीव मी। एंड आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आप इस सारे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो तो ऐसा मत करिएगा कि मतलब आपको मैंने बताया, GRS टेक्निकल वाली ने बताया था तो मतलब मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसा गलती हरगिज मत करिएगा। जब भी आप कोई सा भी लाइन बोलिएगा दिल से बोलिएगा, इमोशन के साथ बोलिएगा, सच्चे दिल के साथ बोलिएगा, सामने वाला ज़रूर आपकी फीलिंग्स को समझेगा या समझेगी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा आई लव यू बोलने का और आप किन्हीं आई लव यू बोलना चाहेंगे। तो डैट्स वॉज द वीडियो, होप यू ऑल लाइक्ड इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।